कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने दावा का बादामी बाग लारी अड्डे का दौरा, मुसाफिरों के टिकट्स को चेक किया। मुसाफिर को गाड़ी की छत का टिकट देने पर बस को 72 घंटों के लिए बंद करवा दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि ईद के दिन तक बस अड्डों की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से कमिश्नर लाहौर मुतहरिक हैं और जायद किराया किसी मुसाफिर से वसूल नहीं करने देंगे। कमिश्नर लाहौर खुद फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। आज उनकी जानिब से लाहौर के सबसे बड़े बादामी बाग लाड़ी अड्डे का अचानक दौरा किया, मुसाफिरों की जो टिकट थी उनको भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली वंदावा ने मुसाफिर खवातीन हॉल में मर्द अफराद की मौजूदगी पर इजहार बरहमी भी किया और फौरी तौर पर मुसाफिर खवातीन हॉल के बाहर गार्ड तैनात कर दिए। दोबारा अचानक दौरा करके चेक भी करेंगे, क्योंकि कमिश्नर लाहौर ने गाड़ी की छत का लकी मरवत का टिकट जारी करने पर मुसाफिर बस को 72 घंटे के लिए बंद भी करवा दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर लाड़ी अड्डा और सेक्रेटरी आरटीए मुसाफिरों के जानो माल के भी मुहाफिज हैं। छतों पर मुसाफिर मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई इंतजामिया के खिलाफ की जाएगी और जायद किराया वसूली की शिकायत और इतलाफ पर भी इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। जबकि ईद के दिन तक तमाम मुसाफिर बसों और गाड़ियों के अड्डों की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। उन मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले बस मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा और तमाम एसी बस वैगन अड्डों के दौरे करें, सरकारी किरायानामा बस की नुमाया जगह पर अवेजा करें ताकि जायद किराया वसूल करने से रोका जा सके। जी जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया आपका।